तो गाइस फिर हम आ चुके हैं यहाँ पर एम के इंटरप्राइजेज और आज की इस वीडियो में ग्राफिक कार्ड के प्राइस हम कवर करने वाले हैं और भैया के पास कुछ नए ग्राफिक कार्ड आए जो रेट काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो सीधा भैया से बात करते हैं। तो भैया जी क्या नाम है आपका? बढ़िया भैया, मिलन सिंह नाम है भैया। तो भैया हमें बता दो, आपने बोला कुछ नए ग्राफिक कार्ड में नया स्टॉक आया आपके पास? स्टॉक और रेट दोनों ही नए आए हैं भैया। तो मतलब काफ़ी अच्छे रेट मिलने वाले हैं आज आपकी दुकान पर? बिल्कुल भैया बिल्कुल, ऐसे रेट मतलब माइंड ब्लोइंग समझ लो। चलो ठीक है, तो चलिए गाइज कवर करते हैं यहाँ पर, सीधा रेट कवर करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ मैं। ये जो शॉप है ना, ये है एम के इंटरप्राइजेज। भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शॉप का एड्रेस और रियल एप्लीकेशन, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सीधा हम कवर करते हैं यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पर हैवी कार्ड पर, जैसे 3060, 3080 Ti, इन हैवी कार्ड पर जाएंगे। तो बेसिक आता है आपका, जैसे ये रखा है यहाँ पर GT 30 730, इससे एक और बेसिक आता है आपका GT 710 कलरफुल की तरफ से। तो भैया इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 710 भैया 2800 रुपये का, 2800 रुपये का पड़ने वाला है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसकी 730 6800 रुपये का, 6800 रुपये का होने वाला है। ठीक है, तो 730 एंड 730 710 हो गए। फिर भैया एक और आता है 1030, उसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 1030 भैया आपको 6800 रुपये का देंगे, 6800 होने वाला है। ठीक है, देन भैया इसके बाद आपका आता है 1050 Ti, ये रेक असूस का 1050 Ti, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? भैया 1050 Ti आपको 15800 रुपये का। तो मतलब ये 1050 Ti 15800 का हो जाएगा? 15800। ठीक है, 15800 1050 Ti। देन इसके बाद आता है आपका जोटेक में है, ये मैं निकाल लेता हूँ उसको, ये रहा 1650 मतलब 1650। तो जोटेक का 1650 ये कितने का होने वाला है? ये भैया 1650 आपको 18900 रुपये का दे देंगे, 18900 का होने वाला है 1650। तो भैया अगर इसी में जैसे एक असूस का है 1650, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा प्राइस में? ज़्यादा डिफरेंस नहीं भैया, मिनिमम डिफरेंस रहता है 300-400 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो मतलब जैसे 18800 का है तो ये 19300-400 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो गाइस देख लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा 300-400 से, जैसे भैया ने बोला है। ठीक है, देन इसके बाद भैया एक और आता है आपका 1650 सुपर, उसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 1650 सुपर भैया हम आपको दे देंगे 25700 रुपये का, 25700 का होने वाला है। ठीक है, और कोई अच्छा ब्रांड लोगे तो वही 700-800-500। ठीक है, स्टार्टिंग आपको बता रहे हैं, स्टार्टिंग इससे, स्टार्टिंग इससे। तो स्टार्टिंग वाले कार्ड वही होंगे ना, कलरफुल इनो 3D गैलेक्सी। ठीक है, देन इसके बाद गाइस बढ़ते हैं, आपका 1650 सुपर हो गया। एक और कार्ड है जो बहुत फेमस है, जैसे यही निकाल लेते हैं आपका, ये रहा कलरफुल GTX 6060 सुपर 1660 सुपर, इसके क्या प्राइस होने वाले भैया? 1660 सुपर भैया 39000 का आपको देंगे, 39000 जी भैया। इसी में एक और आता है Ti 1660 Ti, उसकी क्या प्राइसिंग होगी? वो आपको दे देंगे 39500 में, 39 हाँ जी 500, मतलब 500 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, सो भैया इसके बाद एक और आपका कार्ड आता है 2060, उसकी क्या प्राइसिंग होगी? 2060 भैया 40900 का, 40900 रुपये, 40900 होने वाला है 2060। ठीक है भैया, देन इसके बाद आपका आता है कुछ नए कार्ड, ये रहा जोटेक की तरफ से RTX 3060। तो भैया 3060 अगर LHR में देखा जाए गेमिंग, कितने का होगा? LHR भैया 3060 स्टार्टिंग में आपको दे देंगे जो होगा 59000 में दे देंगे। तो 59 का ही मिल जाएगा RTX 3060? 59 में मिल जाएगा, 59000 RTX 3060। और अगर इसी में आप माइनिंग वाला मतलब LHR वाला ले, तो माइनिंग वाला जो आएगा भैया नॉन LHR आएगा वो 70+ का है, मतलब 70 से भी कुछ ज्यादा होगा ऊपर। अभी प्राइसिंग वापस बढ़ गई क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड बहुत ज्यादा वापस आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब गेमिंग वालों में जो कार्ड, जो गेमिंग के जो कार्ड है उसमें थोड़ा ड्रॉपबैक देखने को मिल रहा है, काफी प्राइसेस ड्रॉप अच्छे होने को दिखे हैं, और उसके बाकी जो माइनिंग के जो कार्ड है उसमें थोड़ा मतलब प्राइसेस ड्रॉप अभी कुछ ऐसे ज्यादा हो ही नहीं रहे। अच्छा, माइनिंग वालों में नहीं हो रहा, बाकी गेमिंग वालों में हो रहे हैं। ठीक है, देन जैसे भैया ये हो गया 3060, एक और आता है 3060 Ti,
60,900 का पड़ने वाला है। हाँ जी भैया, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, देख सकते हो जैसे आप 36 और TI में दोनों में, और 3070 गेमिंग वाला आपको दे देंगे 69,900 का, 69,900 जो कभी 100,000 कुछ का मिलता था, आज 69,999 ठीक है। देन 3070 हो गया, और भैया एक और बता दो 3080 Ti ये कितने का है? जो टैक्स होलो ब्लैक 3080 Ti 142,500 का, 142,500 का होने वाला, 42,500 ठीक है। देन अगर बात करी जाए यहाँ पर 3080 की, वो कितने का होने वाला है? 3080 भैया 108,500 का, 108,500 का। तो गाइस देख रहे हो गेमिंग वाला 3080 108,000, इस टाइम बहुत अच्छे प्राइस ड्रॉप्स हो गए हैं, ग्राफिक कार्ड में अच्छा ड्रॉप आया है, गेमर्स जितने भी हैं अब ग्राफिक कार्ड लगा के अपने पीसी को बिल्कुल ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद एक आखिरी हमारा चीता रह गया 3090, उसका प्राइस बता दो। 90 भैया इस टाइम पे 190,500 का, अच्छा 190,500 अच्छा 190,500 का ठीक है। और भैया AMD का बताओ, मतलब AMD के कार्ड क्यों नहीं मिल रहे, क्या चक्कर है? AMD के कार्ड भैया पीछे से कंपनियों से आना ही, बहुत डिमांड उसकी ज्यादा थी, इसलिए अभी कार्ड बहुत शॉर्ट है और पीछे कंपनियों से माल आ ही नहीं रहा। अच्छा, बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर पे आ रहा है माल, जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप हमें डाल सकता है, हमारा नंबर आप दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप पे हमको अपडेट विदिन 24 आवर्स अपडेट हम कर ही देते हैं। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट करना, भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको अगर कोई भी कार्ड लेना हो या फिर उसकी प्राइसिंग जाननी हो तो सब कुछ जान सकते हैं। और भैया कुछ ये सारे जो कार्ड है पीसी बिल्ड के साथ रहने वाले हैं ना? सारे कार्ड जो आपको प्राइसेस बताएं ये भैया पीसी बिल्ड के साथ रहेंगे ये, और जो पीसी बिल्ड के अलावा जो सिर्फ कार्ड की डिमांड रहेगी उसके अलग प्राइसेस अलग ही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा। ये जो प्राइसेस हैं ये प्राइसेस सारे आपके पीसी बिल्ड के साथ है, बिल्कुल भैया। ठीक है, और जो रेट है वो फिक्स रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है? भैया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, और आज डेली ही रेट है, डेली रेट बदल रहे हैं, रेट है आजकल तो सुबह भी कुछ है शाम को भी रेट कुछ है, पर डेली का ही रेट है। अच्छा, जिस हिसाब से डिमांड रहती है और रहती है, मार्केट में माल शॉर्ट हो जाता है तो प्राइसेस थोड़े फ्लक्चुएट करते ही रहते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया, और इसके साथ जैसी पीसी बिल्ड कराएंगे तो इसके साथ हम आपको डिस्काउंट तो देंगे। और साथ में गिफ्ट तो आपको पता ही, जो हमारे जी बिल्कुल ऑफर्स आजकल RGB कीबोर्ड चल रहे हैं और ट्रांसफॉर्मर, मतलब RGB कीबोर्ड ट्रांसफॉर्मर जो ज़ेब्रोनिक्स का कॉम्बो आता है कीबोर्ड माउस का, ट्रांसफॉर्मर कौन सा की एक बार दिखा सकते हैं आप? मैं उसका आपको कॉम्बो दिखा, ये गाइस देख लेते हैं भैया आजकल क्या क्या फ्री दे रहे हैं जो पीसी बिल्ड कराते हैं। ये कॉम्बो जो है ये 100,000 के पीसी पे है, और इसका माउस सिर्फ माउस 50,000 के पीसी बिल्ड पे है। अच्छा, माउस अगर कोई 50,000 के पीसी बिल्ड करा तो माउस फ्री है, माउस फ्री है, और 100,000 प्लस के बिल्ड पे, और 100,000 से 100,000 प्लस के बिल्ड पे ये पूरा कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री है। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल विजिट करिएगा, शॉप के एड्रेस और भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। और मैं थोड़ा एड्रेस दिखा देता हूँ, मतलब अगर आप आना चाहो तो गाइस देखो, जस्ट नेहरू प्लेस का जस्ट सामने ही पड़ेगी ये शॉप का नाम आप देख सकते हो, MK एंटरप्राइजेज है। और भैया अगर कोई दूर से मतलब लेना चाहे तो आप शिपिंग कर दोगे ना? भैया शिपिंग करेंगे बिल्कुल, तो मतलब इंडिया शिपिंग रहती है हमारी, तो मतलब बेझिझक मतलब लोग ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट एडवांस रहती है। लोग पूछते हैं COD ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें प्रीपेड पेमेंट रहेगी और माल आपका डिस्पैच करके कोरियर स्लिप आपको भेज दी जाएगी, तो मतलब 100% आपके पास पीसी पहुंच जाएगा, 110% भैया। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट में लिखना आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, या फिर आपको सुझाव देना चाहो तो कमेंट जरूर लिखना। तो धन्यवाद भैया वीडियो बनाने के लिए।